तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको BN ऐप के अंदर की फ्रेम का यूज करना बताऊंगा कि आप किस तरीके से की फ्रेम का यूज करके आप अपनी वीडियो के अंदर जूम इन कर सकते हैं, और अगर आप कोई टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करते हैं अपनी वीडियो के अंदर तो उसे आप किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं की फ्रेम के द्वारा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हाय एवरीवन, आई एम राज मेहता एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल द कैमरा पिक्सल। तो दोस्तों आज मैं आपको BN ऐप के अंदर की फ्रेम को ऐड करना बताऊंगा और आप की फ्रेम के द्वारा अपनी वीडियो के अंदर कैसे जूम इन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपने BN ऐप को ओपन कर लिया, अब इसके अंदर मैं कुछ अपनी फुटेज ऐड करता हूं और उसके ऊपर मैं आपको की फ्रेम ऐड करके दिखाता हूं कि आप किस तरीके से की फ्रेम का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं एक कोई नया प्रोजेक्ट ले लेता हूं, यानी कोई क्लिप वगैरह ले लेता हूं। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास यहां पे बहुत सारी क्लिप है, बट मैं कोई एक अच्छा सा क्लिप देख लेता हूं, फिर उसके ऊपर मैं आपको ऐड करके दिखाता हूं। तो मैं ये वाली एक क्लिप ले लेता हूं, इस क्लिप को मैं ऐड करता हूँ नेक्स्ट करके। ये हमने क्लिप को ऐड कर लिया। अब इसी क्लिप के ऊपर मैं आपको यहाँ पे की फ्रेम लगा के दिखाऊंगा कि कैसे इस वीडियो के अंदर आप जूम इन कर सकते हैं और की फ्रेम से कैसे अपनी वीडियो को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये मैंने जो अपनी क्लिप डाल रखी है, इस क्लिप को मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा प्ले करके। देखिए किस टाइप की मेरी क्लिप है। इसमें मैं गिम्बल लेके जैसे कि चल रहा हूँ वेडिंग के अंदर। तो इसे अब मैं आपको की फ्रेम को यूज़ करके जूम इन वाला जो इफेक्ट है वो बना के दिखाता हूँ की फ्रेम के द्वारा। सबसे पहले आपको बनाने के लिए, जैसे ये मेरी क्लिप है, इसे मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, यहाँ चल कर आ रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि अपना जो कैमरा है इसे ज़्यादा हाईलाइट करूँ, यानी जूम इन करके अपने कैमरे को ऊपर ले जाऊँ इस मोमेंट को। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिप को ऊपर टच करूँगा और यहाँ पर की फ्रेम का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को थोड़ा आगे करके जैसे यहाँ पर आ गया हूँ, अब यहाँ पे मैं की फ्रेम को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे जैसे मैं यहाँ पे की फ्रेम ऐड करता हूँ तो यहाँ पे डायमंड्स आपको बन के दिख जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आगे यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे ले जाने के बाद फिर आपको की फ्रेम पे ही क्लिक करना है। जैसे मैं की फ्रेम पे क्लिक करूँगा यहाँ पे हमारी की फ्रेम लग चुकी है। अब हमें इन्हीं बीच, जैसे हमने दो जगह की फ्रेम लगाया, तो यहाँ हमारी जो बीच वाली क्लिप है इसके अंदर हमें जूम इन वाला इफेक्ट ऐड करना है की फ्रेम के द्वारा। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे टच कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे की फ्रेम, तो यहाँ से जो मेरी की फ्रेम स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है, तो फिर मैं यहाँ पे इसे रखता हूँ और मेरी जो वीडियो है इसे मैं जूम इन कर लेता हूँ और अपनी वीडियो को जूम इन करके मैं कैमरे के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैमरे के ऊपर जूम इन करके छोड़ दिया। अब जैसे मैं यहाँ पे छोड़ने के बाद फिर से मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके का इफेक्ट बन गया है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे जूम इन होकर ये कैसे कैमरे के पास आ रहा है और ये यहाँ पे कैमरे के पास आके हट गया। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से ये की फ्रेम को यूज़ करा और यहाँ पे मैंने जूम इन कर लिया था। तो यहाँ पे मेरी वीडियो जूम इन होकर ही चल गया। बट अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने की फ्रेम को यूज़ कर रखा था दो जगह, तो इसे मैं पहले अंडो कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने हटा दिया, अब फिर दोबारा यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए गिम्बल का मूवमेंट है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे कैमरे के मूवमेंट पे आ गया जो मैंने की फ्रेम यूज़ करा था। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे जो मेरी क्लिप है, अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना और टेक्स्ट के ऊपर मैं की फ्रेम लगा के एनिमेट करूँ टेक्स्ट को, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट लिखे आ रहे हैं, तो मैं ये ऊपर वाला ही टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब मैंने जैसे ये टेक्स्ट ले लिया, अब यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ इस टेक्स्ट के अंदर। तो मैंने अपने चैनल का नाम लिख दिया द कैमरा पिक्सल्स। अब ये नाम मैंने ऐड कर लिया। अब इसमें मैं चाहूँ तो कोई कलर वगैरह भी दे सकता हूँ, जैसे ये कलर दे दिया मैंने या येल्लो दे दिया और यहाँ पर इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। अब उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। अब ये टेक्स्ट हमारा छोटा सा है यानी कुछ सेकंड का है, तो इसे हम पहले बड़ा कर लेंगे। तो अब जैसे कि हमने इसे बड़ा कर लिया, अब इसके अंदर हम फिर दोबारा टेक्स्ट के ऊपर की फ्रेम यूज़ करेंगे। तो की फ्रेम को हम ले जाएंगे यहाँ पर बीच में। अब यहाँ पर करते हैं की फ्रेम ऐड, यहाँ पर की फ्रेम ऐड हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और यहाँ पर फिर दोबारा एक की फ्रेम और लगा देते हैं। अब इनके बीच में हमें ये करना है कि जो हमारे टेक्स्ट लिखा है इस टेक्स्ट को उठाकर मैं दूसरे कॉर्नर पे ले जाता हूँ। अब यहाँ से मैं टेक्स्ट को इस कॉर्नर पे उठा कर रख दिया। अब वीडियो को चला के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जैसे वीडियो को मैं चलाऊँगा तो ये देखिए टेक्स्ट किस तरीके से एनिमेट हो रहा है, यानी अपने आप ही वहाँ जा रहा है और फिर उसके बाद ये पीछे आ गया।
तो यानी मैंने यहाँ पे दो बार की फ्रेम ऐड कर दिए थे, तो इस वजह से टेक्स्ट पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया। आप चाहते कि इस टेक्स्ट को आप किसी स्मूथ तरीके से जो मतलब किसी वे में ऊपर ले जाना है आपको, तो आप किस तरीके से ले जाएंगे, तो वो भी ऑप्शन है। जहाँ आपने की फ्रेम लगाए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ बीच में आएंगे तो यहाँ कर्व का ऑप्शन आ गया, तो आप कर्व वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइन बने हुए हैं, यानी कि इफ़ेक्ट हैं। आप इसे यूज़ करके आप अपने जो टेक्स्ट है इसे काफ़ी अच्छी तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दूंगा तो देखिए टेक्स्ट किस तरीके से ऊपर गया। दूसरे वाले को यूज़ करेंगे तो ये देखिए ये कैसे स्लोली जा रहा है साइड में, और फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत तरीके के जैसे ये देख ये भी इस तरीके से आया। तो टेक्स्ट को आप किसी भी तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो क्लिप के ऊपर भी इसे एनिमेट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप की फ्रेम का यूज़ करके आप अपनी वीडियो में काफ़ी अच्छी तरीके से अपने वीडियो को जूम इन कर सकते हैं, टेक्स्ट में एनिमेट कर सकते हैं, काफ़ी तरीके से आप अपनी वीडियो को अच्छा बना सकते हैं की फ्रेम का यूज़ करके। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर भी काफ़ी अच्छा VN ऐप, और इसके अंदर आप अच्छी खासी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जब तक के लिए गुड बाय।